मैंने आपको उपाय बताया था, हर समस्या का समाधान क्या है? क्या है? भूल गए? प्रत्येक समस्या का समाधान है गुरु कृपा। क्या है? बोलो जोर से। जिसके जीवन में गुरु कृपा होती है, जो गुरु के चरण को पकड़ लेता है, जो गुरु की छत्र छाया में जीता है। अरे भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी पर भी गुरु कृपा से ही हनुमान जी की कृपा हुई। तुम लोग भी गुरु के चरण पकड़ लो, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। और दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग कितने दरबारों में भटकोगे, कहां कहां जाओगे, कितने गुरु बदलोगे। तुम लोग इतने विचित्र हो, यूट्यूब पे देख देख के पगले आ गए। हाँ, आजकल जो बाबा ज्यादा चल रहा मार्केट में, इन्हें छोड़ के ऊलो पहुंच गए, उन्हें छोड़ के ऊलो पहुंच गए। अरे जो बाबा ठीक है, अच्छो सो चंदन लगाए, जो तो भैया बहुत चमत्कार कर। दिन रात इसी में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। समय बर्बाद नहीं, देख तो रहे, अच्छी बात है। संतों को देखना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए। हम तुम्हारे विरोधी हैं, हम तुमसे यह कहना चाहते हैं, कितने दरबारों में भटकोगे, कहाँ तक भटकोगे, कितने तुमने धक्के नहीं खा लिए, कितनी तुमने देहरियों पर माथा नहीं पटक लिया, कितना तुमने उपाय नहीं कर लिया, कितना तुमने रो नहीं लिया, कितना तुमने पैसा बर्बाद नहीं कर दिया, कितने तुमने निवेदन नहीं कर लिए, कितने तुमने नियम नहीं कर लिए। अब तुम और क्या करोगे, कितना समय बर्बाद करोगे, कितने दरबारों में जाओगे। तुम्हारा माथा भी छिलने लगा, माथे में तुम्हारे छाले पड़ने लगे, भगवान से तुम्हारा विश्वास उठने लगा, संतों और गुरुओं से तुम्हारा विश्वास उठने लगा। तुम एक काम करो, सफल होना चाहते तो एक काम करो, जीवन में चमत्कार पाना चाहते तो तुम एक काम करो, बागेश्वर धाम में तुम धीरेन्द्र कृष्ण से मत जुड़ो, बागेश्वर धाम में तुम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा से जुड़ो। हाथ में एक नारियल लो और हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ, कह दो बस आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जिस दिन तुम कह दोगे आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, तुम पाओगे कि तुम्हें अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग पर्चे नहीं बनवाने पड़े। तुम पाओगे कि तुम्हें एक एक प्रश्न का चमत्कार देखने के लिए 21 पेशी नहीं करनी पड़ी। जिस दिन ये बात निश्चित कर लोगे, उस दिन से जिंदगी में हर पल चमत्कार होंगे। फिर तुम्हें मंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम बुधवार को जाओगे, गुरुवार को जाओगे, शुक्रवार को जाओगे, वो दिन तुम्हारा मंगल का होगा। जिन भक्तों के पर्चा ना बने वो उपाय सुन लें। घर पर एक नारियल रख लेना है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की लगातार देते रहना है जब तक काम सफल ना हो जाए। और महीने 1-2 महीने में पेशी करना प्रारंभ कर देना। पर्चा बने या ना बने, सन्यासी बाबा और बालाजी की चर्चा जरूर चल जाएगी। दोनों हाथ उठा करके सब बोलो, बागेश्वर धाम दिव्य दरबार की, अरे अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर बालाजी की, भोपाल वासियन की, आज के ब्राह्म दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर।